fines, decided cases, legal institutions, legal problems, issues or questions, or a combination of small, some or all of them. Means that legal research is not confined to any some a single way. यानी ऐसा नहीं है कि कोई जो सोशल लीगल या लीगल जो रिसर्च है वो एक सीधे सीधे चलते जाने का नाम नहीं है. इसमें क्या है कि इसमें डिफरेंट चीजें आ जाती हैं. इसमें जो है आपको मेहनत करनी है. इसके अंदर लीगल रिसर्च के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें शामिल है, आपके तमाम लॉज आ जाते हैं उसके अंदर, प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट के तहत ये लॉ बना, कौन सी लीगल प्रॉब्लम थी जिसको एड्रेस करने के लिए इस लॉ को बनाया गया, वो सारा का सारा. उसके अलावा हमारे पास जो प्रीसीडेंट्स हैं या जो हमारे पास जो है तरीका कार, यानी जो हमारे पास जो केसेस डिसाइडेड हुए हैं ऑलरेडी, उसके अंदर ये देखा जाएगा कि उसके अंदर जो है वो क्या कोर्ट्स ने अपने डिसीजंस क्या दिए हैं. उसके अलावा लॉ जर्नल्स हैं या फिर आर्टिकल्स भी उसके अंदर शामिल किए जाते हैं. तो ये आपकी जो है वो लीगल रिसर्च होती है. लीगल रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए इन तमाम चीजों को पढ़ना पड़ता है, तभी वो जाकर जो है वो लीगल रिसर्च कहलाती है. ये मल्टीपल स्टडी होती है. इट इज लाइक अ लाइब्रेरी वर्क. इट इज अ डेप्थ स्टडी ऑफ समथिंग. लीगल प्रॉब्लम्स को भी आपने जो है वो उसके साथ साथ, और लीगल इश्यूज को, लीगल क्वेश्चंस को, इन तमाम चीजों को जहन में रखते हुए आपके पास जो लॉ मौजूद है और जो आपके पास प्रेसिडेंट्स मौजूद है, उन सबको स्टडी करना होता है. Legal research methodology is a process of doing research using legal resources, legal terms, concepts, principles, and legal techniques when writing a research report. जब कभी भी आप legal research की बात करें, आपका legal research के अंदर आप अगर जो है वो लिखने जा रहे होते हैं अपना अपनी report, यानी जिसको हम thesis भी कहते हैं, legal research के अंदर अगर आप अपना thesis लिख रहे हैं, research कर रहे हैं, तो वो आपका जो होगा उसके अंदर आपने क्या क्या चीजें मेंशन करनी होगी. एक तो आपके जो उसी आपके टॉपिक से रिलेटेड जो आपके लॉज हो गए, जो लीगल टर्मिनोलॉजीज हो गई, जो आपका लीगल कॉन्सेप्ट है वो भी उसी में आपने बताना है, प्रिंसिपल्स बताने हैं, टेक्निक्स आपने लीगल बतानी है कि लीगल टेक्निक्स ऑलरेडी कौन सी अवेलेबल है, कौन सी जो है आउटडेटेड है, और कौन सी लीगल टेक्निक को जो है इम्प्रूव करने की जरूरत है. ये आप जो है अपनी सारी लीगल रिसर्च जो है कंडक्ट करने के बाद, जब रिसर्च रिपोर्ट या जिसे हम थीसिस भी कहते हैं या रिसर्च आर्टिकल भी कह सकते हैं, उसके अंदर ये सब मेंशन करना है. ठीक है. कंपाइलेशन ऑफ ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इशू बाय अंडरगोइंग ऑल द रिसर्चिंग प्रोसेस व्हिच इज द फॉर्म व्हिच इज फॉर्म प्लानिंग टू आइडेंटिफाई द रिलेवेंट फैक्ट्स ऑफ एन इशू. ठीक है. लीगल प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई करनी होती है. जब आप लीगल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आप कंपाइल कर रहे होते हैं किस चीज को, जो चीजें उसके साथ रिलेवेंट हैं या जो जिस चीज, जैसे मिसाल के तौर पर अभी हम देख रहे हैं चाइल्ड अब्यूज के केसेस जो बढ़ रहे हैं दिन ब दिन. अभी जो हमारे पास जब भी हम खबरें सुन रहे होते हैं चाइल्ड अब्यूज केसेस, कोई ना कोई जरूर रिपोर्ट हो रहा होता है. तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उसके लिए, जब हम उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की अगर हमारी नीयत होगी और हम चाहते हैं कि इस मसले को हल किया जाए, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, हम उसके साथ रिलेवेंट तमाम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे. उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी कि जो शख्स ये क्राइम कमिट करने जा रहा है, ये करता है, जो आपका अक्यूज है, उसने ऐसा क्यों किया, व्हाट वाज द मोटिव. सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है मोटिव. क्या होने वाले तमाम केसेस के अंदर जो मोटिव है उसमें क्या, जो बीच में जो एरिक्शन आ रही है या ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो सेम है, फिर हमने ये भी चीज ऑब्जर्व करनी है. So it is the compilation of the fact set of facts or facts in issue. Fact in issue वो कहलाता है जिस पे आप रिसर्च करने जा रहे हैं, जो हकीकत आपको परेशान कर रही है, जिसका आप हल निकालना चाहते हैं. ठीक है. It is a complex skill. As a researcher, one will need to be familiar with at least those areas of law in which one claims to have expertise. अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि आप सारी की सारी लीगल प्रॉब्लम्स को लेके नहीं बैठेंगे ना. आपने किसी एक खास एरिया को आपने लेना होता है, तो आपकी एक्सपर्टीज उस एरियाज के अंदर आपकी डेप्थ में स्टडी होना बहुत जरूरी है. अगर आप क्रिमिनल केसेस को एड्रेस करने जा रहे हैं, उनके बारे में आप डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको एक पर्टिकुलर एरिया बताया कि अगर हम देखें कि चाइल्ड अब्यूज के केस में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, ठीक है, हम उसके ऊपर अगर रिसर्च करें तो हम उसी को स्टडी करेंगे डेप्थ में. ये नहीं कि मर्डर केसेस की तरफ हम चले जाए. मर्डर केसेस की तरफ अगर हम जाएंगे, जो सिंपल मर्डर्स होते हैं, तो हम फिर उन्हीं को ही एड्रेस कर रहे होंगे. फिर हम जो है वो
डाइवर्ट नहीं हो सकते इधर उधर. अच्छा, टू बी एन इफेक्टिव रिसर्चर वन शुड नीड, क्या क्या चीजें उसको चाहिए. शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन जुडिशरी एंड द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, द वेरियस इन्फ्लुएंसेस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड द जुडिशियल डिसीजन मेकिंग, द इम्पैक्ट ऑफ द एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ ट्रायल ऑन लॉ एंड लॉ मेकिंग एंड द रिलेशनशिप बिटवीन डोमेस्टिक एंड द इंटरनेशनल लॉ. ये सारी चीजें आपने पूरी की पूरी कवर करनी है, एक पूरा बैकग्राउंड बनाना है. क्या कि एक तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि आपकी जुडिशरी है उसके और जो आपके दूसरे ऑर्गन हैं जैसे पुलिसिंग है, आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं और उसके अलावा आपके एडवोकेट्स हैं, उनके दरमियान जो इफेक्ट है वो क्या है, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है, किस तरह वर्कआउट होता है. तो वेरियस इन्फ्लुएंसिंग इन्फ्लुएंसेस, क्या क्या इन्फ्लुएंसेस, इन्फ्लुएंसिंग जो है वो हमारे पास जो है वो फिनोमिनाज है जो कि आपकी वर्किंग कैपेबिलिटी के ऊपर, डिसीजन मेकिंग पावर के ऊपर अफेक्ट कर रहे होते हैं. उसमें सबसे पहले आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ गया, दूसरे नंबर पे इकोनॉमिक और तीसरे नंबर पर सोशल वैल्यूज आ जाती है. अच्छा, इकोनॉमिक क्या है कि अगर आपकी सैलरी कम है तो आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए रिश्वत ले रहे हैं, ठीक है. और सोशल वैल्यूज के अंदर क्या है कि अगर आपकी अम्मी आ गई, आपके अब्बू आ गए और वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो आप उनकी बात माने जा रहे हैं. आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपकी ड्यूटीज क्या है और आपको अपनी ड्यूटीज पे फोकस नहीं है और आप जो है वो आप अपनी जो है ताल्लुकात अच्छे करने के लिए, किसी के पता चला कोई वजीर आजम ने आपको कॉल करके गलत काम करने का कह दिया तो विदाउट थिंकिंग, विदाउट डिसाइडिंग आपने ये नहीं सोचा कि भाई वो वजीर आजम अपनी जगह होगा लेकिन आपकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कैसे उससे मुंह मोड़ सकते हैं. नहीं, आप सोचेंगे उसने कह दिया तो अब मैं गलत काम है या सही है मैंने कर रहा, तो ये भी है ठीक है, इन चीजों से भी इन्फ्लुएंस होता है. ऑन जुडिशियल डिसीजन मेकिंग द इम्पैक्ट ऑफ द एडवर्सरियल सिस्टम, अच्छा आप समझते हैं, हमारे पास जो एडवर्सरियल सिस्टम है उसमें जज जो होता है हमारे पास वो न्यूट्रल होता है, ठीक है. एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ जो हमारा कहलाता है लीगल, एडवर्सरियल सिस्टम ये होता है उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एंड पुलिस अलग चीज है और जुडिशरी के और प्रोसिक्यूशन अलग है और जज अलग है. लेकिन एक और होता है हमारे पास रिक्विजिटोरियल सिस्टम, दो सिस्टम इस वक्त पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं. एडवर्सरियल सिस्टम जो है वो हमारे पास डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर है, जैसा कि इंडिया है, जैसा कि पाकिस्तान है, जैसा कि जो कॉलोनीज रहे हैं यूके की, वहां पर एडवर्सरियल सिस्टम है. और बजाते खुद जो आपके पास जो यूके है वहां पर ये नहीं है, वहां पर हमारे पास रिक्विजिटोरियल सिस्टम चलता है. अच्छा, रिक्विजिटोरियल सिस्टम में क्या होता है कि जो ट्रायल है और जो इन्वेस्टिगेशन ही कंकरेंट चलते हैं. कंकरेंट मतलब यहाँ से प्रोसिक्यूटर और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो जो एविडेंस लाता है डायरेक्ट कोर्ट में पेश करता है. अगर वो काम की होती है तो बंदे की सजा हो जाती है, अगर उसमें कोई वजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि कोई नहीं एविडेंस या वीक टाइप ऑफ एविडेंस है तो बंदा अपने घर चला जाता है चुपकर. इस तरीके से क्या होता है कि केसेस का अंबार भी नहीं लगता और काम जल्दी होता है. तो हमारे पास जो सिस्टम अभी इंटैक्ट है वो है रिक्विजिटोरियल सिस्टम नहीं बल्कि एडवर्सरियल सिस्टम है, जिसमें जज अलग है, कोई न्यूट्रल है, इन्वेस्टिगेशन का सुपरवाइजर नहीं है. हमारे पास जो है वो एडवर्सरियल सिस्टम के अंदर जो जो मैजिस्ट्रेट है वो सुपरवाइजर होता है इन्वेस्टिगेशन का और ज्यूरिस्डिक्शन बेशक सेशन कोर्ट की हो लेकिन वो देख रहा होता है इन्वेस्टिगेशन का, और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो अलग बात, वो अलग चीज एग्जीक्यूटिव में आ जाता है. तो इस तरह हमारा जो सिस्टम है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और हम देखेंगे कि इसके अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स काम कर रहे हैं इसमें वो हर किसी की अपनी अपनी जगह पर एक कुछ जिम्मेदारियां हैं, क्या वो ठीक से कर रहे हैं या नहीं. अच्छा, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, बी एबल टू फाइंड आउट द लॉ इन द एरियाज दैट ही शी हैज एक्सपर्टीज एंड टू अपडेट हिज हर नॉलेज कॉन्स्टेंटली. रिसर्चर ने क्या करना है, सबसे पहले चाहे वो लड़का या लड़की ही है और शी है, दोनों को सबसे पहले तो अपने उस खास एरिया के अंदर जिस एरिया में उसने रिसर्च करनी है अपनी एक्सपर्टीज को बढ़ाना है, हमेशा अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहना है, न्यू आने वाले लॉज से जो है वो अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना है. और वो ऐसा नहीं कि एक दफा पढ़ लिया बस उसको जहन में लेके बैठे हुए, ना खुद को अपडेट कर रहे हैं ना न्यूली जो कवानीन आ रहे हैं उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, इस तरह से जो है वो रिसर्च नहीं हो पाती. रिसर्च के लिए जरूरी है कि आप खुद को अपडेट करते रहें. अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास थर्ड पॉइंट,
be able to plan his or her research in order to make the best rules या best use of the available time and resources. अब plan करना भी जरूरी है, without planning कोई भी काम जो है वो जब भी किया जाएगा उसमें नाकामी होती है. तो plan करना है कि कौन किस तरीके से best way कौन सा हो सकता है उसको इस्तेमाल करने का, जो भी आपके पास resources हैं या जो भी आपके पास available जो आपके पास चीजें हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह से अपना काम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं. नंबर चार, need to broad and creative because real life problems are really rarely textbook problems. यानी आपको क्रिएटिव होना है, आपने ये देखना है कि हकीकत क्या है. आपने टेक्स्ट बुक की तरह कम, यानी कि आपने एक बुकिश होती है थिंकिंग जिसको हम कहते हैं कि किताबी जबान या किताबी जो है वो सोच, उससे बाहर आकर प्रैक्टिकल की तरफ जाना. Purpose of legal research क्या होता है, इसका जो objective है वो क्या है. Law research is often classified into two broad categories. Two broad categories हमारे पास कौन-कौन सी है. Number one, when researcher is concerned with some legal problem, issue or questions, it is referred to theoretical, doctrinal or a pure legal research. ठीक है, जब कभी भी दूसरी हमारी जो second type हो, when the legal researcher also involves a study of some aspect of social, societal problem, issues or questions, it is sometimes termed as the socio-legal research. ठीक है, अगर आपकी research को purely आपकी law से related है, आप doctrinal research कर रहे हैं या आप pure legal research है, यानी आप issues का नया मसले का हल लेकर के आ रहे हैं. लेकिन अगर आप societal problems या उसको देख रहे हैं कि social जो लाइफ है लोगों की वो किस तरह इम्पैक्ट उसका हो रहा है लॉ का उसके ऊपर या उस तरफ आप जा रहे हैं, तो फिर ये आपकी जो टाइप है वो सोशियो लीगल रिसर्च कहलाएगी. डॉक्ट्रिनल रिसर्च हम पहले पढ़ चुके हैं, उसको ज्यादा ध्यान उसकी तरफ ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको जो है वो प्योर लीगल, क्योंकि प्योर लीगल रिसर्च भी हम डिस्कस कर चुके हैं. अब आ जाते हैं सोशियो लीगल रिसर्च की. लेकिन एक दफा इसकी चले हम डेफिनेशन देख लीजिए. डॉक्ट्रिनल रिसर्च आल्सो रेफर्ड टू एज अ थ्योरेटिकल प्योर लीगल एकेडमिक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल आर्मचेयर रिसर्च इज एसेंशियली अ लाइब्रेरी बेस्ड स्टडी व्हिच मींस दैट अ मटेरियल नीडेड बाय द रिसर्चर मे बी अवेलेबल इन लाइब्रेरीज आर्काइव्स एंड अदर डेटाबेस. अच्छा, सोशियो लीगल रिसर्च आपको क्या करना है, इट इज एन एम्पिरिकल टाइप और अ प्रैक्टिकल टाइप ऑफ रिसर्च. इसमें आपने फील्ड में जाना, वहां आप लीगल रिसर्च जब कर रहे थे डॉक्टरल रिसर्च में उसमें आप बुक्स पढ़ रहे थे, टेक्स्ट बुक पढ़ रहे थे, आप अपने केस लॉज है उनको पढ़ रहे थे, जो आपके पास अवेलेबल मटेरियल था उसमें से आप निकल रहे. सोशियो लीगल रिसर्च में इसमें दोनों में बड़ा ये फर्क आ जाता है. जो आपकी सोशियो लीगल रिसर्च है इट इज एम्पिरिकल टाइप ऑफ रिसर्च. रिसर्च आल्सो termed as a non-doctrinal field study. Empirical research refers to the study of some aspect of law in operation, law in action, which means the study to how law operates in the social context or how law deals or should deal with the social problems, issues or questions. There is a growing realization that the researcher studied in the field of law should not be confined to the pure legal matters such as legal principles, rules, legal institutions, and that researchers should, where it is relevant and useful, cover some kind of social studies. Some of its basic features are stated here. जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे आगे कि उसको खाली ये नहीं कि किताबें पढ़ी, केस ला पढ़े, केस स्टडी दे दी, बस बात कर रहा हूँ. अभी जो need of time है वो क्या है, अभी नीड ऑफ टाइम ये है कि जो रिसर्चर है उसको फील्ड में जरूर वो जाए, ताकि लोगों से भी तो मालूम करे कि कानून कितना अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा. बिल्कुल भी लोगों की जो लाइफ है वो उस कानून से बेहतर हो भी रही है कि नहीं, या लाइफस्टाइल उनका बदतर होता चला जा रहा है. अब सोशियो लीगल रिसर्च कंडक्ट कैसे करेगा. सोशल रिसर्च इज अ systematic study into social, political or other facts, factual conditions
और टू डिस्कवर अननोन और पार्टली नोन फैक्टर्स वर्किंग बिहाइंड द पर्टिकुलर फेनोमेना, टू अंडरस्टैंड व्हाई समथिंग हैपनिंग और व्हाई समथिंग हैपेंस एंड टू ड्रॉ इन्फ्रेंस एंड द जनरल कंक्लूजन, मीन्स व्हाई व्हाट एंड वेयर, ये डब्ल्यूज है। इन तमाम डब्ल्यूज को आंसर करना प्रैक्टिकली फील्ड में जाकर आपका सोशल मीडिया रिसर्च में है। इट इज अटेम्प्ट टू असर्टेन व्हाई एंड हाउ ह्यूमन बीइंग्स बिहेव इन अ सर्टेन वे इन अ सर्टेन फैक्चुअल सिचुएशंस। इट इज टू आइडेंटिफाई द काज एंड द इफेक्ट ऑफ द सर्टेन प्रॉब्लम, मीन्स इफ अ प्रॉब्लम इज एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी देन व्हाई दिस प्रॉब्लम इज एग्जिस्टिंग, व्हाई इट इज नॉट रिड्यूसिंग or a phenomena is working day by day, it is increasing. So identifying the core problem, the core reason of that issue is come in the ambit of social research. The social research may often be carried out with a view to ascertain people's ideas, views, attitudes or a value on certain legal or a social problem, issues or questions. Many surveys and opinions polls are carried out with the objects in view. Social research is essentially a field study where the method used in social research are observation, content analysis, case study or a survey research using the interviews and the questionnaires. अच्छा आपने देखा होगा बहुत सारी जो हमारे पास इंटरनेट के ऊपर जब कभी भी आप यूट्यूब खोलते होंगे या कोई चीज उसके अंदर बहुत सारे सर्वेज आए हुए होते हैं जिसके अंदर जो है वो आपसे ओपिनियन मांगा जाता है किसी एक प्रॉब्लम के बारे में कि भाई इसका क्या आपके ख्याल में सॉल्यूशन है क्या रीजंस है उसमें आप अपना ओपिनियन दे रहे होंगे। ये गवर्नमेंट के बेसिस के ऊपर या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ होती है वो कंडक्ट करती रहती है टाइम टू टाइम। अच्छा उसके अलावा ये कि सोशल रिसर्च के अंदर खाली एक ये चीज नहीं बल्कि आपने एक क्वेश्चनेयर और इंटरव्यू आपने डेवलप करना है क्वेश्चंस बनाने हैं उसके बाद जाकर फील्ड के अंदर आपने काम करना थोड़ा सा। अभी आप देखें जो हम रिसर्च कर रहे होते हैं हमारे पास जो रिसर्च कंडक्ट पूरी होती है हम केस लॉज भी लेते हैं ना उसमें ऐसा भी केस लॉज नहीं लेते केस लॉज लेते हैं हम केस स्टडी करते हैं उसके बाद हम क्वेश्चन आयर बना करके उसके बाद हम इंटरव्यू और क्वेश्चन आयर फिलअप भी करवाते हैं क्योंकि वो सोशियो लीगल रिसर्च जो एक प्रैक्टिकली हो पाएगी जो लॉ का एक फेनोमिना है उसको स्टडी हम जो एक प्रॉपरली कर पाएंगे वो सिर्फ बाय वे ऑफ प्रैक्टिकली जाकर के जब तक हम बाय वे ऑफ कंडक्टिंग अ सर्वे ही मुमकिन हो सकता है। अच्छा टाइप ऑफ लीगल रिसर्च एग्जांपल्स उसकी आ जाती है हमारे पास। लीगल स्टडीज मे डिफर इन देयर पर्पस मेथड एंड नेचर। अब हम कहें कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं हमारी रिसर्च बिल्कुल मेडिकल तरह वैसा नहीं है क्योंकि हमारा जो एक वर्क है या फील्ड ऑफ स्टडी है वो बिल्कुल अलग है। लीगल स्टडीज आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टडीज। इट इज डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी स्टडीज। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच सीक्स टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस इन इन्वॉल्व इट इन इन्वॉल्व्स टू असर्टेन और स्टेट ऑफ अफेयर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम और इशू। अच्छा एक्सप्लेनेटरी स्टडी क्या होती है इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क है दोनों में। डिस्क्रिप्टिव के अंदर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं और एक्सप्लेनेटरी के अंदर क्या कर रहे हैं कि मोस्ट स्टडीज इन द फील्ड ऑफ लॉ गो बियॉन्ड द डिस्क्रिप्शन एंड सीक एक्सप्लेनेशन अ पर्टिकुलर फिनोमेना। Explanatory it seeks to tell why or how something happens, unlike descriptive studies, which tell only the what happened. ठीक है इन दोनों में थोड़ा फर्क है आप इन दोनों को मिक्स नहीं करेंगे। डिस्क्रिप्टिव बताएगी कि what happened and explanatory study बताएगी कि why it happened, what are the core problem exist behind this problem. एनालिटिक एंड क्रिटिकल स्टडी है ये क्या बताएगी आपको। एनालिटिकल एंड क्रिटिकल स्टडी जो है आपको बताती है कि आपका जो कानून है ये इसका जो एनालाइज करके बताइए इसका जो असर पड़ रहा है आवाम के ऊपर वो क्या इसके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या। एनालिटिकल एंड क्रिटिकल अप्रोच इज क्वाइट डिफरेंट इन इट्स मेथड ऑफ ट्रीटमेंट फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी अप्रोच। एनालिटिकल अप्रोच इन्वॉल्व
careful examination and evaluation of something in order to understand, explain it or draw inference and conclusion from it. ठीक है, ये analyze करेगा, ये critical study, ये सिर्फ एक study करने का नहीं बल्कि एक conclusion निकालना है इसके अंदर, इसमें results निकाल करके बता रहे हैं कि क्या उसका नतीजा निकला है चीजों का. अच्छा, हिस्टोरिकल स्टडी की तरफ आ जाते हैं. हिस्टोरिकल अप्रोच क्या है? हिस्टोरिकल अप्रोच इन्वॉल्व्स एन ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ द पास्ट फैक्ट्स इवेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस. पर्पस ऑफ सच अप्रोच मे बी टू फाइंड आउट हाउ एंड व्हाई सर्टेन रूल्स प्रिंसिपल और इंस्टीट्यूशंस हैव कम टू टेक देयर प्रेजेंट फॉर्म. वेयर द पर्पस ऑफ द रिसर्चर स्टडी और अ पार्ट ऑफ इट इज टू फाइंड आउट द ओरिजिन ऑफ trace the development of anything or any law that has some relationship to law, the approach it made termed as a historical study of the past. Historical study ka maksad sirf aur sirf yahi hoga ki find out kiya jaye ki ye jo institution hai, ye jo law hai, why it was formed and when it was formed, how it comes in shape, which is the present at present form of the law. How it comes in this form, यानी वो किस तरह बना, कैसे इस ओरिजिन से और किस तरह से इस शेप में आया. अब कंपैरेटिव स्टडी आ जाती है. बस कंपैरेटिव स्टडी में हम कंपेयर करेंगे ना. A researcher may involve either wholly or partly the study of some legal or issue or questions in comparative retrospect. A researcher may find it worthwhile to examine similarities and dissimilarities between two situations. Existing within the same legal system. क्या होगा इसमें देखा जाएगा कि एक लीगल सिस्टम काम कर रहा है. उसमें क्या है कि एक तरफ उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है, दूसरी तरफ बहुत खराब है. अगर एक कानून है सिटी के अंदर तो बहुत अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हो रहा है, जब हम गांव की तरफ जाते तो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाता. क्यों ऐसा क्यों है? या फिर गाँव साइड पे जब हम अर्बन अपना रूरल एरियाज में जाते हैं उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है, और सिटी एरिया में आते हैं तो उसका बिल्कुल इम्पैक्ट खराब होता है. तो ऐसा जो फेनोमिना है इस सिचुएशंस को कंपेयर करने के लिए कंपैरेटिव स्टडी की जाती है. या फिर कंपैरेटिव स्टडी इसलिए भी की जाती है कि एक लॉ जो किसी और मुल्क में काम कर रहा है वो वहां पर बिल्कुल उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, वही लॉ अगर हमारे पास इम्प्लीमेंट हो रहा है यहाँ पर अगर हमने उस लॉ को जो है प्रोमुलगेट किया वो क्यों नहीं हो रहा, क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं है, या उसके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, या फिर हमारे सोशल वैल्यूज डिफरेंट है उससे, क्या वजह है कि वो यहाँ कामयाब नहीं है और दूसरी जगहों पर कामयाब है. फिर उसके अंदर भी कंपैरेटिव स्टडी करके उसका हल निकाला जाता है. इट मे बी एम्फसाइज्ड हियर दैट इन एकेडमिक सिचुएशंस और इंस्टीट्यूशंस स्पेशली वेयर टू एम ऑफ स्टडी इज टू प्रिपेयर डिसर्शंस और थीसिस द रिसर्चर रिसर्च इज मोस्ट केसेस इन्वॉल्व्ड the use of more than one approaches. जब कभी भी अच्छा कभी क्या होता है कि researcher जब PhD level का या master's level पे काम कर रहा होता है वो क्या करता है कि comparative study भी कर रहा है, अपनी thesis में compare भी कर रहा है, अपने thesis में जो है वो survey भी कर रहा होता है, तो multiple उसको जो है वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं tools. तो ये जो है कभी कभी क्या होता है कि education institutions के अंदर भी comparative study होती है. अच्छा, लिटरेचर रिव्यू क्या है? इसमें अभी लिटरेचर रिव्यू आ गया हमारे पास कि सोशियो लीगल रिसर्च के अंदर क्या है लिटरेचर. लिटरेचर रिव्यू क्या है? लिटरेचर मींस रिटन वर्क विद द हाई वैल्यू पर्टिकुलरली टू बी बाय द स्पेशलिस्ट पर्सन्स हु हैज स्किल्स. यानी सबसे पहले जो है अगर किसी ने उस पर्टिकुलर जो है सब्जेक्ट पे काम किया है तो उसने ये काम किस तरह किया और उसने इसके ऊपर जो है वो क्या अपने व्यूज दिए हैं वो आ जाता है इसके अंदर. अच्छा, रिव्यू टू कंसीडर टू गिव ओपिनियन और स्टडी. यानी जब कभी हम अपनी स्टडी करने जा रहे होते हैं सबसे पहले हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, उससे रिलेटेड जो होता है उसमें क्या हमारा पर्पस होता है कि हमें पता चल सके कि क्या उसकी जो है वो वैल्यू थी और किस तरीके से इससे पहले जो है ये काम हो चुका है इस टॉपिक के ऊपर. अच्छा, जो प्रीवियस रिसर्चर्स की कंट्रीब्यूशन है उनका वर्क है उसको स्टडी करके इंसान को एक लाइन ऑफ डायरेक्शन मिल जाती है. लिटरेचर रिव्यू इज प्रेजेंटली
इसको जो क्लासिफिकेशन है, वैल्यूएशन है, वो उसके लिए इस्तेमाल होता है कि जो प्रीवियस वर्क हुआ है उसमें क्या उसको वैल्यूएट किया गया था या उसमें क्या रिजल्ट्स आए थे। अच्छा, ये हमारे लिए क्यों इफेक्टिव होता है? ये इसलिए इफेक्टिव होता है कि इससे पता चलता है कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हम बना सकते हैं, उससे हमें रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाने में आसानी होती है, रिसर्च क्वेश्चन रिसर्च प्रॉब्लम्स हम बना सकते हैं आराम से। ठीक है, लीगल रिसर्च कैन बी डन बिफोर डेवलपिंग अ रिसर्च क्वेश्चंस, इट कैन आल्सो बी डन आफ्टर आइडेंटिफाइंग द रिसर्च क्वेश्चन। अच्छा, नॉट द एम ऑफ द लीगल रिसर्च लिस्ट एनी आर्टिकल नेम्स पॉसिबल, यानी हमारा काम ये नहीं है कि हम उसकी लिस्ट बनाते रहें, वो देखते रहें, बल्कि हमने उसके अंदर से जो एक्सट्रैक्ट है उसको निकाल देना है बस, तो हमारे जो काम का होगा। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू जो है हम जब लिखते हैं तो वो कैसे लिखेंगे हम? मस्ट हैव अ थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क रिव्यूड, ऑर्गेनाइज्ड कॉमन फाइंडिंग्स और आर्ग्यूमेंट्स टुगेदर, सीक इंफॉर्मेशन टू शो दैट यू कैन the literature, you can scan the literature review of it efficiently using manual or a computerized method to identify a set of potential or potentially useful articles. ये सारे के सारे articles आपने उठा के नहीं लिखने, आपने सिर्फ उसके अंदर काम की बात निकालनी है जो आपके इससे केस से रिलेटेड है, आपके उससे रिलेटेड है, उसको आपने कोट कर देना है। ये तरीका होता है लिटरेचर रिव्यू का, या आपने समराइज मैनर में बताने के फला शख्स की रिसर्च की है, फिर फला आपने उसको सिर्फ समराइज वे में एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं आप, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा आपने नहीं कि एज इट इज उठा के नहीं लिखा। अच्छा, इफेक्टिवली लीगल रिसर्च के अंदर क्या होगा कि प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और प्रेजेंटेशन, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तब भी लोगों को पता नहीं लगेगा कि आपने कितनी मेहनत की, अगर आपने प्लान नहीं किया होगा तो आप उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिक तीन जो चीजें हैं ये लीगल रिसर्च के अंदर बहुत जरूरी है। प्लानिंग क्या है कि इम्पोर्टेंट टू प्लान रिसर्च टू अवॉइड वेस्टिंग टाइम इन द लॉ, ऐसा नहीं कि लॉ लाइब्रेरी में बैठ के बस पढ़ते जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना, रफ स्टडी नहीं करनी, आपने लीगल नॉलेज सिर्फ आपने अपने जो आपका रिसर्च का है उसको नैरो डाउन करना है आपने रिसर्च प्रॉब्लम को, और उससे रिलेटेड अपने एस्टेब्लिश करने हैं ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चंस आपने बनाने हैं, प्लान करना है, और फिर उन फैक्ट को कलेक्ट करके आपने लीगल नॉलेज अप्लाई करके एनालिसिस करके आपने फैक्ट्स को देखकर फैक्ट्स को एनालाइज कर लेना है, उस फिर आपने जो है उससे रिलेटेड स्टडी करना है। हेयर एंड देयर नहीं जाना, सिर्फ अपने एक लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर रहना है और अपने काम जो आपका जो है उसके ऊपर फोकस करना है कि आपका टॉपिक क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके अंदर रहते हुए काम करना है। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर भी वही सारे की सारी बातें हैं कि डेटा कलेक्शन। अच्छा, स्टेप प्लानिंग आर डिवाइडेड इनटू फोर, अब इसके अंदर चार स्टेप्स हैं प्लानिंग के, फैक्ट कलेक्शन, फैक्ट्स एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्चुअल एंड द लीगल इशू, रिसर्च प्रॉब्लम, और उसके बाद आपने फॉर्मुलेट करना है, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्लान, रिसर्च फ्रेमवर्क। ठीक है, उसके बाद आपने फॉर्मुलेट कर लिया, अब आपने उसके ऊपर बनाना काम करना शुरू कर देना है। फैक्ट्स कलेक्शन कहाँ से आएगा आपके पास? फैक्ट्स आप कैसे कलेक्ट करेंगे? फैक्ट्स आप लिटरेचर रिव्यू के जरिए कलेक्ट करेंगे। फैक्ट्स को एनालाइज आप कैसे करेंगे? आपका जो लिटरेचर आपने पढ़ा है उसमें से आपने सिग्निफिकेंट वैल्यूज निकालनी है, और उनमें से आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड जो रिलेवेंट मटीरियल है उसको आपने समराइज मैनर में लिखना है, समराइज मैनर में उसको आपने कलेक्ट करना है, यह आपका फैक्ट एनालिसिस हो जाएगा। अच्छा, लीगल इशू और फैक्चुअल प्रॉब्लम आपने कैसे आइडेंटिफाई करनी है? वो आपको जो है रिलेवेंट जो आपके इश्यूज हैं उसमें आपने उनको अलग करना है इररिलेवेंट इश्यूज में से, डिस्टिंग्विश द रिलेवेंट इश्यूज फ्रॉम रिलेवेंट इश्यूज, दिस विल लीड टू द ऑर्गेनाइज देम एंड टू रिलेट द डेटा टू द रिलेवेंट लीगल प्रिंसिपल्स और एंड वाइस वर्सा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्लान, रिसर्च प्लान जो आपका बनेगा वो सारा का सारा आपके इन तमाम स्टेप्स को कवर करने के बाद बनेगा कि अब आपने क्या करना है आगे। आपने कीवर्ड्स लिखने हैं रिसर्च करने के लिए, अगर आप इंटरनेट पे काम करने जा रहे हैं आपने कुछ कीवर्ड्स बना लेने कि इन तरीकों से मैं रिसर्च करूँ और इन कीवर्ड्स को अगर मैं सर्च करूंगा तो मुझे जो है वहां से सही तरीके से जो है मिल जाएगा डेटा,
अच्छा अभी हमारी क्लास खत्म हो रही है, ये आप लोगों को समझ में आ गया सोशियो लीगल रिसर्च? यस मैम। अच्छा आप लोगों को ये समझ में आ रहा है? जी जी बोले मैम, समझ में तो आ गया मैम। कुछ स्टूडेंट का नेट का इश्यू है, 35 मौजूद हैं, 5-6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास नेट नहीं चल रहा, नेट स्लो है, उनके अटेंड लगा दूं? वो आपको कैसे पता लगा उनका नेट स्लो है? ठीक है आप, अच्छा इम्प्लीमेंट आपने कैसे करना है इसमें? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम टू रिजॉल्व, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेवेंस सोर्स मटेरियल, लोकेशन ऑफ सोर्स मटेरियल, इफेक्टिव ऑफ सोर्स मटेरियल। अच्छा उसके बाद आपने एनालाइज ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग्स टू प्रॉब्लम और आइडेंटिफिकेशन फॉर द प्रॉब्लम। ये सारी आपकी जो है ना गाइडलाइंस है आपके लिए कि आपने किस तरह से कौन कौन सी रिसोर्सेज इस्तेमाल करनी है, बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, लेजिस्लेशन न्यू हुई है या लीगल इंसाइक्लोपीडिया हो गया आपका या लीगल डिक्शनरीज हैं, डेटाबेस या ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन जो आपकी होगी, जो आपने रिसर्च फाइंडिंग्स हैं उनको आपने प्रॉपरली प्रेजेंट करना है, बिल्कुल आपने एक फॉर्मुलेट करके स्ट्रक्चर बना के, ऐसे आपने आके कुछ भी बोल देना, ऐसे कुछ भी नहीं बोला जा सकता। आपको बिल्कुल फोकस रहना है अपने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। गुड क्वालिटीज के अंदर सबसे पहले ये कि आपका ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट जो है आपकी वो इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद आपको डिटरमाइन होना चाहिए कि आपको रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, आप उसको बाहर नहीं गए, और आपके ऑडियंस से आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो आपसे किस तरह के सवाल कर सकती है ताकि आप उसको आंसर दे सके। अच्छा स्ट्रक्चर बनाना है उसका बाकायदा, और फिर प्रिपरेशन के बाद आपने जा करके उसको पॉइंट आउट कर उसको लोगों को बताना है। एंड आउटलाइन ऑफ द रिसर्च पेपर इज टू बी डिस्कस्ड बाय 6 एंड द कंफर्म, कम से कम आपने 6-7 आपके जो टीचर्स हैं उनसे आप कंफर्म कर सकते हैं, या फिर आप अपना अगर रिसर्च पेपर या आपका जो बनाने जा रहे हैं आप थीसिस, वो 3000 से कम से कम रिसर्च पेपर 3000 से 3500 वर्ड्स का होता है, लाइक ऐसे होता है। ठीक है उसके अलावा जो आपका जो आपकी रिसर्च होती है, जो थीसिस होती है वो कम से कम जो है उसकी 6000 वर्ड्स की होती है, 6000 वर्ड, और बिल्कुल एटलीस्ट 5000 वर्ड्स, उससे कम नहीं होने चाहिए। ठीक है अच्छा ये हमारी हो गई सोशियो लीगल रिसर्च, ये हमने आज इसको पढ़ लिया है। अब हमारे पास वेरिएबल्स हैं, अगर आप लोग कल बोलें तो कल सुबह हम क्लास ले लेते हैं वेरिएबल्स को, और मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ, नहीं तो फिर अपकमिंग वीक के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है अब बोलिए जल्दी जल्दी बताएं, हमारी क्लास खत्म होने वाली है, वी हैव ओनली 1 मिनट। जी अपकमिंग वीक के अंदर पढ़ेंगे। यस मैम। जी हाँ मैम, भले जैसे